अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय आर पार। आज आर पार की शुरुआत मैं दो तस्वीरों के साथ करने जा रहा हूं। आज मैं एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करूंगा, एक्सप्लोसिव एक्सपोजे करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके तार कैसे देश विरोधी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। आज आर पार का यह एडिशन विस्फोटक होने वाला है, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो सेंध लगी उसकी एक एक कड़ी आपके आप व्यूअर्स यानी आपके समक्ष रखूंगा। आप जनता जनार्दन है, आपके समक्ष रखूंगा। लेकिन इस बीच इस मुद्दे पर सियासत भी घनघोर हो रही है। बीजेपी ने कुछ चिट्ठियां सार्वजनिक की है, दावा है कि केंद्रीय एजेंसियों ने पंजाब प्रशासन को 2, 3 और 4 जनवरी को ये लेटर्स ये चिट्ठियां लिखी। एक चिट्ठी आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख भी रहे हैं, इसके पॉइंट नंबर 4 को आप देखिए। मैं भी पॉइंट नंबर 4 का रुख करता हूं। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि कोई भी धरना रोड ब्लॉक का कारण हो सकता है, इसलिए रूट डायवर्जन और वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। यही बात 3 और 4 तारीख का जो लेटर लिखा गया, चिट्ठियां लिखी गई, उसमें भी की गई। लेकिन हुआ क्या, प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक बंधक बनाए रखा गया, उनकी जान को जोखिम में डाला गया। आखिर इन लोगों को प्रधानमंत्री के रूट का पता कैसे लगा, किसने इंफॉर्मेशन लीक करी, और वहां पर लोग लगातार बढ़ रहे थे जैसा प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, प्रशासन बता रहा है। और यही बात कबूलनामा पंजाब सरकार ने भी किया है। क्या पंजाब पुलिस या प्रशासन की तरफ से जानकारी लीक की गई थी? क्या यह पंजाब सरकार की लापरवाही है? इसकी तह तक आज मैं जाऊंगा। लेकिन मैं फिर बता दूं कि अब से 130 सेकंड बाद, गिन लीजिए 130 सेकंड बाद मैं एक बहुत बड़ा एक्सपोजे, बहुत बड़ा खुलासा व्यूअर्स आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। इसलिए आज का आर पार बेहद खास होने वाला है, क्योंकि पीएम के खिलाफ बहुत बड़ा खुलासा 130 सेकंड बाद आप स्क्रीन पर देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने दावा किया है कि पंजाब सरकार और प्रशासन को 2, 3 और 4 तारीख को चिट्ठी लिखकर कार्यक्रम की जानकारी दी गई थी, साथ ही सुरक्षा और इमरजेंसी प्लान बनाने को भी कहा गया था। लेकिन पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने फिर कहा प्रशासन से कोई चूक नहीं हुई। उधर सिद्धू पूरी घटना को पीएम का सियासी स्टंट बता रहे हैं। आज तुसी ड्रामे जिन्ने मर्जी कर लो, के सानू बदनाम करने वाले लोग, पंजाब का माहौल खराब करने वाले लोग, इन्हें पता है कि इन्हें पार्टी के पल्ले कुछ नहीं, सिर्फ गंद पाउण होया। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी। क्या बहनों भाइयों, ऐसी कांग्रेस को क्षमा किया जाना चाहिए। हम लोग भी मुख्यमंत्री रहे, ऐसी घिनौनी राजनीति बहनों भाइयों हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी स्वीकार नहीं की। कि वहां से बचका आ गए, तो अगर ये था कि बचका आ गए तो फिर गए क्यों थे? तो ये पूर्ण रूप से एक सहानुभूति बटोरने का एक सस्ता जरिया ढूंढने की कोशिश करी गई है। सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। इस बीच देश भर में पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया गया, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर हाल चाल जाना। लेकिन इन सब के बीच आज बात तो नापाक लोगों की होगी जो देश को तोड़ने का इरादा रखते हैं, और आर पार में इसी से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। और अब वक्त है उस बड़े एक्सपोजे का, उस बड़े खुलासे का, जो ये सोचने को आपको हम सबको मजबूर कर देगा कि पीएम के खिलाफ साजिश आखिरकार कितनी बड़ी और गहरी थी।
मैं आपको खालिस्तान समर्थक गुरु परवंत सिंह पन्नू का इकबालिया बयान सुनवाने समय जा रहा हूं। ये वही पन्नू है जो सिख फॉर जस्टिस का फाउंडर है और पंजाब की आजादी की बात करता है। ये क्या कह रहा है पहले वो सुनिए, उसके बाद मैं एक और बड़ा खुलासा करूंगा स्क्रीन पर जो हैरान कर देगा इस देश की जनता को। ते भारतीय हुकूमत सुन ले, आज 5 जनवरी पंजाब दे विच आजाद खालिस्तान रेफरेंडम की मुहिम उदो शुरू हो गई जदों तिरंगे वाले पंजाब नू छड़ के दिल्ली वापस पहुंच गए ते खंडे ते केसरी वालिया ने अज उस जगह तो मोदी देश का प्रधानमंत्री नंगे पैरी वापस पजा दिता। पंजाब आजादी वाल चल चुका है, इसका फैसला अज पंजाब ने किया है और मोदी ते देश सुन ले, इंदिरा गांधी हथियारां नाल आई सी, हथियारां नाल मोड़ दिती। तुसी अज दहशतगर्दी पंजाब दे विच करन आए सी पर पंजाब ने शांतमई ढंग नाल मोड़िया। खालिस्तान रेफरेंडम दी मुहिम वोटां दी मुहिम वोटां दी है, बंबां दी नहीं है। इन्हां वोटां राही असी पंजाब नूं भारत दे कब्जे चों आजाद करवाउणा है। पंजाब ने अज मोहर लाती है इस गल ते कि आउण वाले समें दे विच असेंबली चोणां दे बराबर खालिस्तान रेफरेंडम दी मुहिम चलेगी ते जेड़ी भी राजनीतिक पार्टी चाहे वह कांग्रेस चन्नी है, चाहे वह सिद्धू है, चाहे वह बीजेपी है, चाहे यह झाड़ू वाले है, जेड़ा केसरी दे खिलाफ खड़िया उहदे ते खंडे की मोहर लगेगी ते तिरंगे वाले जाणगे दिल्ली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो तिरंगे वाले को हमने दिल्ली भेज दिया, तिरंगे वाले मोदी को हमने दिल्ली वापस भेज दिया, ये कह रहा है पन्नू। अब मैं आपको इस पन्नू का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो इसने प्रधानमंत्री के दौरे से काफी पहले पोस्ट किया था। इस वीडियो में ये खालिस्तानी कह रहा है कि जिसने भी प्रधानमंत्री की रैली में खलल डाली उसे मैं इनाम के तौर पर $1,00,000 दूंगा। जी हां, आपने ठूक ठीक सुना, ये देशद्रोही अपने ही देश की प्रधानमंत्री की ऊपर इस तरह के सवाल खड़े कर रहा है और वहां पर खलल डालने के लिए इनाम बांटने का ऐलान कर रहा है। यानी आपके सामने अब वो सबूत है जिसके बाद कुछ कहने और सुनने को बचता नहीं था, सब कुछ प्लान था लेकिन सवाल सिर्फ एक ही एक है, लीक किसने किया, लेकिन ये सुनिए आप। सिख कौम दे ग्रंथ ते पंथ ते हमला करने वाला भारतीय दहशतगर्द हुकूमत का प्रधानमंत्री मोदी देश पंजाब दी फेरी ते 5 जनवरी नू आ रहा है। यह मोदी जिम्मेवार है 3700 तो वध साडे किसान भरावां दीआं मौतां दा। तुहाडे घरे हजे लाशां ठंडियां नहीं होईआं ते 5 जनवरी नू देश पंजाब दे विच आ के वोटां मंग रहा तुहाडे तों। इस दा विरोध करना पैणा है देश पंजाब वालिओ, विरोध करना पैणा है। शो दा शू जुत्ती विखाओ ते $1,00,000 जुत्ती विखाओ ते $1,00,000 सिख फॉर जस्टिस उस योद्धे नू देगी। यानी कुल मिलाकर इस समय ये एक्सप्लोसिव खुलासा मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ा खुलासा मैं बता रहा हूं। कुल मिलाकर पूरी प्लानिंग थी प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री की रैली में खलल डालने के लिए, इसलिए तमाम चीजें दरकिनार होती हैं। तमाम सवाल जो उठाए जा रहे थे क्या वो वाजिब है, क्या प्रधानमंत्री सिर्फ बहाना था, निशाना हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी जनता है, ये बात है, सिर्फ नरेंद्र मोदी बीच में खड़ा है उन सबके, इसलिए वो निशाना नरेंद्र मोदी पर लग रहा है, ये सवाल आज खड़ा होता है। पीएम के खिलाफ ये साजिश का बड़ा खुलासा है। मैं एक एक करके अब कड़ी आपको जोड़ के बताता हूं कि कैसे सारी कड़ियां एक साथ जुड़ती हैं और बनती हैं, इनको समझना जरूरी है। जुड़ती कड़ियां क्या है सुनिए एक एक करके, मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी पंजाब पहुंचे, फिरोजपुर में उन्हें रैली करनी थी लेकिन रास्ते में ही उनके काफिले का रास्ता रोक दिया गया। 20 मिनट तक देश के सबसे सुरक्षित व्यक्ति को बंधक जैसे हालात में रहने को मजबूर कर दिया गया। पंजाब सरकार लापरवाही से इंकार कर रही है, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है और
गुरु पतवंत सिंह पन्नू जिसके वीडियो आपने देखी, इसे खालिस्तान समर्थन में रेफरेंडम बता रहा है। वो कह रहा है कि हम जो चाहते थे वो आखिरकार हो गया है। सोचिए बात कहां से निकली थी और कहां तक चली गई है। तो क्रोनोलॉजी भी समझिए, जुड़ती कड़ियां भी समझिए, एक एक करके हर चीज जुड़ रही है अपने आप के अंदर। और जो काफिला रोका गया वो काफिला किसी सामान्य आदमी का नहीं था, इस देश के प्रधानमंत्री का था। इसीलिए सवाल खड़ा होता है, मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ इस समय जुड़ रही हैं अलका लांबा, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मजिंदर सिंह सिरसा, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में यूथ कांग्रेस की भी एक नेता जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। मैं पहले रुक करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, जो खुलासा इस समय न्यूज 18 ने करा है, पहले तो वो वीडियो जिसमें इनाम की बात हो रही है, दूसरा जिसमें खालिस्तानी पन्नू कह रहा है कि हाँ ये हमारी जीत है, और तीसरा जो कड़ियां साथ में जुड़ रही हैं, इसका मतलब क्या है, और नवजोत सिंह सिद्धू का बयान उसके ऊपर। अमीश जी, देखिए जो आप आज चर्चा करा रहे हैं ये बहुत ही गंभीर चर्चा है, और भारत के हर नागरिक में एक आक्रोश की भावना है। ये भावना इसलिए है कि जो सुरक्षा में चूक हुई है ये श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में चूक नहीं हुई है, ये श्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी सुरक्षा में हुई। ये जो बड़ा खुलासा आपने किया ना, एक भारतीय होने के नाते एक बात कहता हूं, ये जो पन्नू टन्नू चन्नू है ना, इनको कोई भारतीय अपने घर में टॉमी की तरह ना रखे, इनकी औकात क्या है। और ये पंजाब की बात करते हैं तो मैं एक पंजाबी होने के नाते एक बात जरूर कहूंगा, पंजाब हमारे भारत का दिल है, पंजाबियत हमारी शान है, और हम वो पंजाबी हैं जो गुरु नानक जी, गुरु तेग बहादुर जी इनको पूछते हैं। ये जो पन्नू है ना, ये ना पंजाबी है ना सिख है और ना ये भारत को जानते हैं, और $1,00,000 करते हैं। अरे पन्नू, अगर सारे भारतीयों ने एक रुपए का चंदा दे दिया ना, 130 करोड़ तो तेरे मुंह पे मारेंगे। इसलिए ये गीदड़ भपकियां मत देना, यहां की जनता शेर की तरह दहाड़ती है। ये तो पन्नू के लिए था, टन्नू पन्नू चन्नू जो भी थे। अब मैं आता हूं जो आज का विषय है। देखिए कुछ सवाल आज देश की जनता पूछ रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता यहां बैठी हैं, सोनिया गांधी ने तो उत्तर नहीं दिया, चन्नी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, उन्होंने भी नहीं दिया। ये 2-3 सवाल हैं, इनमें एक का भी उत्तर अगर मिल जाए जमीश जी। सबसे पहला ये बताइए कि डीजीपी जिसकी जिम्मेदारी थी कि एसपी जी के साथ सारा जो प्रबंध है वो सुनिश्चित करे, उसने ऑल क्लियरेंस कैसे दी एसपी जी को जब आगे प्रदर्शनकारी थे। प्रश्न नंबर दो, जब रूट बदला तो ये अति गोपनीय है अमीश जी, तो इसकी जानकारी सीधा सीधा एसपी जी ने पुलिस को दी पंजाब। लेकिन आज कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमें तो रूट बदला है, इसकी जानकारी पंजाब पुलिस से आई है, तो ये अति गोपनीय जो जानकारी थी ये कैसे प्रदर्शनकारियों तक पहुंच गई। ये इसलिए है कि ये लापरवाही अमीश जी नहीं है, ये सोची समझी साजिश है, जो कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा षड्यंत्र है कि प्रधानमंत्री जी को अगर हरा नहीं सकते तो उनकी जान के साथ खिलवाड़ करो। वो ये नहीं जानते कि 130 करोड़ भारतीय उनका सुरक्षा कवच है, ये कांग्रेस पार्टी बाल बाका भी नहीं कर सकती उनका। जी जवाब अलका लांबा, अलका लांबा आप तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गए, क्या आपको लगता नहीं है कि ये बहुत ही हल्की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है कि रैली में लोग कम थे इस वजह से ऐसा करना पड़ा। 20 मिनट देश के प्रधानमंत्री सड़क पर थे, उनकी जान को खतरा था, ये बहुत बड़ा मामला है, और कांग्रेस पार्टी ने तो अपने अपने कई नेताओं को खोया है, स्वर्गीय बेअंत सिंह को, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को, राजीव जी को, आप सोचिए, और उसके बाद किस तरह के हल्केपन की बात हो रही है। बिल्कुल अमीर जी, सबसे पहले तो साल के पहले हफ्ते में आपके साथ पहली डिबेट है, इसलिए आपको नववर्ष की और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ क्यों। सच्चाई तो यही है,
पंजाब में अपना राजनीतिक अस्तित्व जो भाजपा खो चुकी है उनसे भटकाने के लिए ये हाल था। प्रधानमंत्री जी की रैली की तैयारियां, कुर्सियां खाली थी, 70,000 कुर्सियों में 5,000 नहीं भरी, ये हकीकत थी। चलिए छोड़ देते हैं, आपके कहने पर ये पहली बार हुआ है। आ जाइए, भाजपा के ट्विटर हैंडल से कलर्ड कॉपी निकाली है, तारीख है 15/9/2018। क्या लिखा है? प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी सुरक्षा रूट के, बिना किसी सुरक्षा रूट के आम लोगों की तरह सुरक्षा श्रमदान के लिए निकलते हैं, कोई सुरक्षा नहीं। आ जाइए, चलिए उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में, उत्तर प्रदेश में हो चुका है। गाजियाबाद SP टू प्रोब सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर कॉन्वॉय, नोएडा में घिर गए थे प्रधानमंत्री जी 2 घंटे के लिए, तब राष्ट्रपति जी को नहीं मिले थे, तब पूरा उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को यह नहीं कहा था कि मैं नोएडा से जिंदा बचकर जा रहा हूं, पंजाब के भटिंडा से जिंदा बचकर जा रहा हूं, पूरे पंजाब और पंजाबियत पे ये कलंक लगाकर जो प्रधानमंत्री जी कहे ना जाने नहीं देंगे, ये आए उनका रूट। अमित जी चुनौती दे रही हूं, सड़क के रास्ते से जो रूट तय हुआ 100 किलोमीटर से ज्यादा का दिखा दीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं। जो केंद्र सरकार से यहां पर आया वो पूरा हवाई दौरा था, क्या प्रधानमंत्री जी SP मौसम विभाग IB नहीं पता था सबको कि मौसम खराब है, जहाज यात्रा नहीं हो सकती, रैली चुनावी नहीं हो सकती। तो ये रूट लीक किसने करा? की गई तो ये रूट लीक किसने करा? ये तो SPG और पुलिस की बात थी, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास रूट की कॉपी कैसे आई? कांग्रेस के कार्यकर्ता कल जब से प्रधानमंत्री का ये मामला आया तब से ट्वीट कर रहे हैं, ये रूट की कॉपी कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे ट्वीट कर रहे हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्रीच है? प्राइम मिनिस्टर का रूट शेड्यूल, प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल पंजाब में क्या है? वो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता ऐसे पन्ना लेके घूम रहा है, क्या आपको लगता है ये सामान्य घटना है? हाँ बता देती हूँ, चलिए सुनिए सुनिए, क्या ये कार्यक्रम की कॉपी प्राइम मिनिस्टर के दौरे से पहले लीक की गई है? बिल्कुल भी नहीं। किसने ये जारी की? पंजाब के मुख्यमंत्री ने कल आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जब प्रधानमंत्री जी सारा राजनीतिक ड्रामा, अपनी असफलता, किसान आंदोलन, पंजाब के लोगों के बीच में जो गुस्सा था प्रधानमंत्री जी को, गए थे ना दिल्ली मिले प्रधानमंत्री जी, 10-15 किलोमीटर का सफर तय कर पाए थे जो यहाँ 100 किलोमीटर का सफर तय कर रहे थे, 700 किसान दिल्ली की दहलीज पर दम तोड़ देता है, प्रधानमंत्री जी टस से मस नहीं होते। ये रूट जो है पंजाब के मुख्यमंत्री ने आधिकारिक, जब सब खत्म हो गया, प्रधानमंत्री जी सुरक्षित अपने घर अपने मोदी महल में पहुंच गए और राजनीति शुरू हो गई, तब ये जारी की गई कॉपी, बिल्कुल पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा, जब सब खत्म हो चुका ये दिखाने के लिए कि सिर्फ ये एक राजनीतिक ड्रामा था। अब देश के रक्षा मंत्री, लास्ट पॉइंट अपना बोल लीजिए 15 सेकंड के अंदर क्विकली। धन्यवाद अमीश जी, ये कॉपी एक और है, ये हमारे KC विनु गोपाल जी ने सवाल पूछा था, क्या ये सच है कि पंजाब का बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक का BSF के अधीन आ गया है? बिल्कुल इनके अधीन था, वहां पर रैली 50 किलोमीटर दायरे के अंदर रैली होगी, पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक होगी, सुरक्षा को बिना देखे SPG ने क्लियरेंस दे दिया, वहां से जहाज उड़ जाता है ये जानने के बाद कि मौसम खराब है, और बिना 100 किलोमीटर का रूट तय हो जाता है, और उसका राजनीतिक ड्रामा है। आज देश के रक्षा मंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हुए उत्तराखंड की चुनावी रैली में कह रहे हैं ये घिनौनी राजनीति है, रक्षा मंत्री घिनौनी राजनीति कर रहे जो संवैधानिक पद जिम्मेदारियों को छोड़कर चुनावी जनसभा में पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहता था। ये वो पंजाब है अमीश जी जिसने कुर्बानी पंजाब ने कुर्बानी कुर्बानी के लिए था, नहीं 700 किसानों ने कुर्बानी तो दी, प्रधानमंत्री जी कर चुके जब चुनावों में हार दी थी। आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, देखिए आज जो सब कुछ हो रहा है वो कांग्रेस पूरे देश भर के अंदर, चन्नी सरकार ने हम सिखों को बदनाम करने की कोशिश की, ये सारा कुछ हमारे सिर पर मढ़ा जा रहा है। आप मैं अगर मेरी कोई गलत बात हो तो अमीश जी मैं जरूर चाहूँगा कि आप उस पर प्रतिक्रिया जरूर बीच में दीजिएगा। देखिए आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें एक संदेश क्या देश और देश भर में जा रहा है कि वहाँ पर जो कुछ हुआ उसको लेकर पूरे देश में सिखों को बदनामी मिल रही है। जो कुछ कांग्रेस ने किया, ये कांग्रेस सरकार ने तय किया कि कहाँ से प्रधानमंत्री जी का रूट होगा, कौन सी सड़क से वो जाएंगे, ये देखने के लिए तो प्रधानमंत्री नहीं वहाँ गए थे, ये देखने के लिए तो वहाँ की पुलिस प्रशासन ने, क्योंकि जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रोवाइड करती है वो SPG है, लेकिन वो क्लोज प्रोस्पेक्ट में सिलाई करती है, जो ग्राउंड पे जो भी उनका रूट होगा, ग्राउंड सिक्योरिटी होगी, ग्राउंड के मैनेजमेंट होगी, सारी लोकल पुलिस ने करनी हर जगह।
अब एक तरफ गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है ये अपने आप को खालिस्तान, सिखों का, पंजाब देश, ये सारी बातें करता है जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये घटिया आदमी की क्यों करता है? इसलिए करता है कि जो पाकिस्तान इसको पैसे दे के बुलवाता है, ये देश भर में हम सिखों को बदनाम कराता है। अब देखिए, मैं भी एक सिख हूँ, मैं आपके टीवी चैनल पर बहुत जोर देकर कहता हूँ, हम देशप्रस्त लोग हैं, हम अरदास में भी अपने देश की, मानवता की, हम सारी इस दुनिया में लुकाई की अरदास करने वाले लोग हैं, हमने कभी ऐसी अरदास भी नहीं की। ये पॉलिटिकल ड्रामा कर रही है हमारे नाम से, गुरपतवंत सिंह पन्नू, मेरे को एक सेकंड बस कंप्लीट कर लेने दीजिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू जिसको आप कह रहे हैं, सिर्फ देखिए उन्होंने पंजाबी में बोला है, सिर्फ ऐसे गंद मचाना, ऐसी इस तरह के शब्द नवजोत नहीं, वो पैसा, उनको पैसा मिलता है ये सब कुछ करने का, वो ISI क्यों देती? मैं यही मेरा सवाल था जिसमें आना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, जो ISI कराती है, जो पाकिस्तान करता है, हम सिखों को बदनाम करके स्टेट वर्सेस पेश करता है, वही चरणजीत सिंह चन्नी ने किया, वही चरणजीत सिंह चन्नी ने हमें स्टेट वर्सेस पेश करने की कोशिश की, वही चरणजीत सिंह चन्नी ने रास्ता रुकवाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि देखिए सिख जो है स्टेट वर्सेस हैं। आप सवा दो घंटे से देश के प्रधानमंत्री गाड़ी में ड्राइव करते हुए हुसैना वाला जा रहे हैं, आप ये ध्यान से सुनिएगा, सवा दो घंटे हो चुके थे, अगर पंजाब सरकार को सवा दो घंटे में भी सड़क साफ नहीं करा जा पाई, ये जो कार्यक्रम रुका है ये कुछ पहले नहीं रुका, प्रधानमंत्री के आरोप लगा रहे हैं, सवा दो घंटे बाद रुका है और ये जानबूझकर रुका है। पर्पस क्या था? प्रधानमंत्री को वापस मोड़ो, पंजाब के में ये मैसेज देने की कोशिश करो, लेकिन इस मैसेज देते देते इन्होंने हमें पंजाब को, इस तरह से बदनाम करेंगे, उनको कहेंगे ISI उसके पैसे से खेल रहा है, 1980 अगर आपके पास सबूत है, गलत, बहुत गहरी बात आप सोचिए, हम हमारा मुझे समझ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता, बदनामी बरिंदर ढिल्लन का मैं रुख करता हूँ, मेरे साथ गौरव भाटिया भी है, बरिंदर ढिल्लन भी है, अलका लांबा भी है। बरिंदर ढिल्लन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नवजोत सिंह सिद्धू को, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को नरेंद्र मोदी में तो गंध नजर आ रहा है, लेकिन उनको बाजवा में प्यार दिखाई देता है, क्या आपको लगता नहीं है सामान्य घटना नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री की इज्जत है, प्रधानमंत्री सबके एक हैं, लेकिन मोदी जी जिस तरीके से बांट रहे हैं ये सब कुछ को, वो प्रधानमंत्री के पद को शोभा नहीं देता। आपको पाकिस्तान में दिखते हैं या आपको कोई और लोग दिखते हैं वो अलग बात है आपकी, लेकिन कल जो स्टेटमेंट मोदी जी देके गए, आज तक आपने किसी ने उसका खंडन नहीं किया, आपने हमारे ऊपर सवाल उठा दिए, आपने पंजाबियों के ऊपर सवाल उठा दिया, और यहां पर सिरसा जी भी बैठे हैं, मैं इस बात पे हैरान हूं, वो कह रहे हैं अभी पंजाब में मैं जान बच के मेरी वापस चले जी, क्या पंजाब में कातिल घूम रहे हैं, क्या पंजाब में कोई दहशतगर्दी का माहौल है? पंजाब वो है जहां पर कश्मीरी पंडितों को शरण मिली है, पंजाब वो देश है जहां लोगों ने अपना खून बहा के देश की रखवाली की है, और इसके बारे में ये बयान देना, पंजाब देश नहीं, पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य, और किसी ने पंजाबियों पे और सरदारों पे सवाल नहीं उठाए, सवाल उठे हैं कांग्रेस की सरकार पे, सवाल उठे हैं कि कांग्रेस की सरकार दो घंटे में एक रोड साफ नहीं करा सकती, पूरी की पूरी प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल जो होता है उसको मेंटेन नहीं कर पाई, इसके अलावा रूट लीक कर दिया। ये पंजाब में किसी की जान को खतरा नहीं है, क्यों नहीं बोलते शब्दावली पूछिए इसके पास कितने गनमैन है, ढिल्लों साहब से पूछिए इनके पास कितने गनमैन, अगर ये कह रहे खतरा नहीं है, कितने गनमैन, से सिर्फ सवाल पूछिए कि आपके पास खुद के पास यूथ अकाली दल के प्रधान के पास कितने गनमैन है, ये पूछ लीजिए, यूथ कांग्रेस के 6 गनमैन हो, प्रधानमंत्री सुरक्षित है या नहीं है पंजाब में? पंजाब भाई जब तुम्हें ही खतरा है, तुम ही 20 गनमैन लेके घूमते हो, खतरा तो तुम ही कह रहे हो, मुझे ही बड़ा ज्यादा है। अरे भाई अमीश जी 20 गनमैन है इनके पास, अरे खतरा तो ये खुद ही करके मुझे बड़ा है। देखिए आपने जो किया है ये इससे मैं बार बार कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री उच्च संविधान के साथ जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है, मुख्यमंत्री भी एक संवैधानिक जगह है, वो कांग्रेस का वर्कर नहीं है, इनको ये समझने की जरूरत थी, उन्होंने जो सब कुछ कल किया है उससे उसका संदेश दुनिया में क्या गया है, दुनिया भर में क्या संदेश गया है, और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस नहीं ले रहा,
आज जत्थेबंदी ने खुद नहीं एडमिट किया, हमने तो 84 भी देखा इस देश के अंदर। मैं आपको ये बताऊं अमीश जी, मैं बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इनके जो एमएलए है चन्नी, आप सुनिए अमीश जी, ये ध्यान से सुनिएगा जरा, आप ये सुनिएगा, इनके जो एमएलए हैं चन्नी, सॉरी इनके जो एमएलए हैं पिंकी, पिंकी सुन लीजिए ढिल्लो साहब, इस बात का जवाब दीजिएगा, इनके एमएलए पिंकी लोकल एमएलए जो फिरोजपुर के हैं, उनके दोस्त हैं उसी गांव के, उसी प्यारा गांव के गोगी लाली और बिट्टू संगा, ये तीनों जो हैं लोकल एमएलए के रिश्तेदार हैं, इन्हीं को जानकारी दी गई, इन्हीं तीन लोगों ने वहां पर जाकर पंजाब के, ये तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं, ये तो आप बड़ा खुलासा करें कि लोकल एमएलए जिनके पास जिम्मेदारी थी उनको उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जानकारी दी। एक सेकेंड, ये तो बड़ा खुलासा इस समय आर पार के अंदर। ओके, लेट मिस्टर सिरसा कम ऑन स्क्रीन एंड लेट मी मेक हिज पॉइंट, देन गौरव भाटिया रिएक्ट ऑन दिस पॉइंट। नहीं, आप जिम्मेदारी से बोल रहे हैं सिरसा साहब, ये जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं, और एक बिट्टू संगा, ये तीनों इसी गांव के हैं, ये प्यारना गांव के तीनों लोग हैं, और ये तीनों जो हैं ये लोकल एमएलए जो हैं पिंकी जी, उनके तीनों रिश्तेदार हैं। इस रूट की जानकारी पिंकी जी को थी, लोकल एमएलए को थी, उन्होंने इन लोगों को बताया, इनके लोकल एमएलए को जानकारी थी। आपको सारी बात समझ आ जाएगी, मैं नाम दे रहा हूँ, मैं ऐसे मुख्यमंत्री बोल रहा ना, मैं तीनों लोगों के नाम फिर से दे देता हूँ, गोगी लाली और बिट्टू संगा। मेरे पास एक चश्मदीद का बयान है और उन्होंने बोला कि हम बसों से रैली की ओर जा रहे थे, जो हमारे चैनल के पास है एक्सक्लूसिव, रास्ते में पुलिस और किसानों की गाड़ियां मिली, रास्ते में अचानक पुलिस और किसानों की गाड़ियां रुकी, ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच सड़क को रोका गया, किसान गाड़ी से उतरकर नारे लगाने लगे, मोदी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए, थोड़ी देर में 200 पुलिसकर्मी पहुंचे, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया नहीं, यानी पुलिस की मिली भगत थी पूरी कहानी के साथ। और चाय वाले शॉर्ट्स हमने कल अपने आर पार के कार्यक्रम में सबसे पहले चलाए थे कि पुलिस और प्रदर्शनकारी, वहां पे कोई गुरुद्वारा नहीं है, वहां पे कोई जगह नहीं है, जहां पर बीच रोड के अंदर चाय पी रही थी, यानी क्या एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी गौरव भाटिया। और अभी जो मजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं कि पिंकी जो विधायक है वहां का लोकल, उनके रिश्तेदारों को जानकारी मुहैया करा दी गई थी, गौरव भाटिया कांग्रेस कह रही है कि कुछ सामान्य बातों की बड़ी बात नहीं है। अरे बिल्कुल, सड़क पर लंगर बांटेंगे जो लोग विरोध कर रहे हैं, गौरव भाटिया इस बात वो कह रहे हैं कि हर जगह लंगर बढ़ता है पंजाब के अंदर, तो यहाँ भी बढ़ गया होगा, गौरव भाटिया कॉन्स्पिरेसी है जो दिखाई दे रही है उसको तो बोलेंगे ना ढिल्लो साहब, नाराज क्यों हो रहे हो आप इतना, जो सच है वो दिखाई दे रहा है सबको, गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि अमीर जी मैं आपकी बात रखूंगा, कांग्रेस हेडक्वार्टर में यह चर्चा नहीं हो रही है, न्यूज 18 का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम 7 बजे का जो है उसमें यह चर्चा आर पार पे हो रही है, कृपया करके चिल्लाए ना, क्यों साजिश है मैं बताता हूं आपको बिल्कुल स्पष्ट। देखिए सिद्धू कह देते हैं ये ड्रामा है, हम सब जानते हैं सबसे बड़ा ड्रामेबाज भारत में कोई है तो वो सिद्धू है, जो मोहब्बत करता है इमरान खान से, मेरा यार जीवे इमरान तुम्हें दर्द होगा तो मेरी दिल की धड़कन रुक जाएगी, इमरान मुझे गले लगो, बाजवा को गले लगाओ, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जान पे खतरा आता है तो वो उसको ड्रामा बुलाता है। अभी यहां पे कहा गया कि भाई वाराणसी में हुआ था, अमीर जी मैं एक बात बताऊं, ड्रामा ये होता है आतंकवादी ढेर होते हैं, सोनिया गांधी जी रोती हैं, राहुल तुम्हारे मुंह बोले भाई मर गए, मेरी आंखों में आंसू है, ये ड्रामा होता है। और आप बताइए वाराणसी में जब ये हुआ उसके बाद क्या ये पूछा किसी ने, हाउ इज द जोश, क्या यूपी कांग्रेस की तरह किसी संगठन ने ट्वीट किया कि ये गाड़ी बड़ी सुरक्षित थी, थार होती तो अच्छा होता, क्या ये तब हुआ था कि जब एसएसपी सस्पेंड हुआ, एसएसपी सस्पेंड हुआ इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है चूक हुई है और ये मानने में कोई बुराई नहीं जी, जी, और ये आरोप हम नहीं लगा रहे। सुनील झाकड़ किस पार्टी के सांसद है? कांग्रेस पार्टी के हैं। वो कह रहे हैं जो ये हुआ अशोभनीय हुआ, गलत हुआ। मनीष तिवारी ने भी ये बात करी। आपको कटघरे में खड़ा करने वाले कांग्रेस के नेता भी हैं, ये याद रखिएगा। और ये पॉइंट है जिसपे इनसे उत्तर लीजिए। सुनील झाकड़ को किसने बोला? मनीष तिवारी को किसने बोला? ये जनता का गुस्सा है। दो चीजें हैं। पहला, सुनील झाकड़ ने बोला कि ये पंजाबियत को शर्मसार किया है, और उसके अलावा आपको लगता नहीं है कि आप मतलब इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ, उसको अगर आप हल्के में लेंगे, क्योंकि आप खुद रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, नेशनल पार्टी है, जिन्होंने सरकारें चलाई है और आने वाले दिनों में सरकारें चला भी सकते हैं देश की, आपको नहीं लगता कि इतना लाइटली लेना क्या ये वाकई सही है? देखिए प्रवक्ता के हाव भाव देखिए, देखिए मेरी बात सुनिए अमीश जी, ग्रह नहीं, ये प्रधानमंत्री जी नौटंकी बंद करें, क्योंकि इनके पास जब मुद्दों की राजनीति नहीं होती ना, तो व्यक्ति की राजनीति के आसपास घूमना शुरू कर दीजिए। सोनिया गांधी ताकि पांच राज्यों उस गांधी परिवार का नाम ले रहे हैं, उसमें राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की शहादतें शामिल है। यहाँ तो एक हवा का झोंका छूकर नहीं गया, झंकड़ नहीं लगा, कोई काले झंडे, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई बाल बांका नहीं हुआ, पूरा पंजाब शब्द को बदनाम करने का सुरक्षा पूरी नहीं होगी। जब से मुख्यमंत्री बने हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं है कि कैसे एक गरीब घर का, दलित परिवार का, देश का युवा, पंजाब का पहले मुख्यमंत्री कैसे बन गया, ये संधियों को कतई मंजूर नहीं। मुख्यमंत्री क्या होता है? एक सेकंड, I want to clear the air here. गौरव साइलेंस, मेरा निवेदन है गौरव, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट गौरव, एक सेकंड। अलका जी, ये क्या दलित मुख्यमंत्री होता है? सबसे पहले तो सरदारों में कोई दलित नहीं होता, उस कॉम में कोई दलित होता ही नहीं है, ऐसा माना ही नहीं जाता। अगर जितनी जानकारी मेरे को है, इसलिए उस पूरी कॉम में सेवा भाव है, ये मेरी जानकारी कहती है कि सरदारों में जात पात का कोई चक्कर ही नहीं होता, होता ही नहीं है। क्यों हम उस कॉम, जिस कॉम के अंदर इतनी अच्छाई है, उसके अंदर हम क्यों ये डालने की कोशिश कर रहे हैं? दलित सीएम, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ दलित इन एंटायर सिख कम्युनिटी। आप बड़े बड़े लोगों से बाबे पता कर लीजिए, there is no concept of dalit in sikh community, or why we are saying again and again, aur wahan par wo cm hai, dalit cm ki baat nahi hai jo bar bar aapko dalit card yahan pe khel raha hai, point hai ki galti kahan hui, us galti ko identify karne ke liye, alka ji boliye ab aap, sarkar sanghiyon ki, amish ji ab mere ko tokiyega mat, main saaf kar rahi hu, ye to sachchai hai ya nahi कि संघ आरएसएस की जो सोच विचारधारा है वो अल्पसंख्यक और दलित विरोधी रही है। दलित बेटियों के बलात्कार होते हैं तो ये बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होते हैं, ये तो सच्चाई है। ये संविधान, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान इन्हें मंजूर नहीं है, ये सच है। अब मैं आपको बताती हूँ अमीश जी, पंजाब की जिम्मेदारी है, केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं, क्या बात है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। चन्नी जी की जिम्मेदारी है, देश के गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं, क्या बात है इसमें। पंजाब पुलिस जिम्मेदार है, लेकिन एसपीजी आपकी खुफिया, आईबी आपकी, बीएसएफ, किसी की कोई इसमें सुरक्षा में, अकेली पंजाब पुलिस देख रही थी, बाकी तो किसी का लेन देन नहीं था। गृह मंत्री जिनके अधीन केंद्रीय सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा आती है, उनका नाम तक लेते हुए डर रहे हैं। हमें तो लगता है कहीं ये साजिश देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो नहीं रच दी। हम तो कहते हैं इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को भगवान न करे लंबी उम्र मिले, कुछ हो जाए, तो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार कौन है? अमित शाह जी। हम तो कहते हैं इसकी जांच होनी चाहिए। अगर भाजपा कहती है खतरा है, तो वो खतरा इनको अपने घर से है। पंजाब के लोगों ने शहादतें दी, जान ली नहीं पंजाब ने कभी, पंजाब ने जाने दी है। यहां से सरहद पे खड़ा हमारा जवान पंजाब से गया हो, यहां से किसान दिल्ली की दहलीज पर गया हो, यहां का किसान और जवान पंजाब में शहादत दी है। प्रधानमंत्री जी धब्बा लगा कर झंडा जा रहा है, किससे खतरा था? पाकिस्तान आज आपके लिए सुरक्षित जगह हो गई, पंजाब में प्रधानमंत्री जी को खतरा कोई करेगा? कमाल की बात कर रही हैं। मुख्यमंत्री पंजाब का है ना, पुलिस पंजाब की है, ठीक है। मुख्यमंत्री कहाँ का है, गृहमंत्री कहाँ का है, पुलिस 10,000 जो सुरक्षा में थी प्रधानमंत्री जी की, वो पंजाब के लोग हैं, और आप उसकी पूरी पंजाब, पूरा मुख्यमंत्री, पूरी सरकार लोगों पर आप उंगली उठा रहे, किसानों पर उंगली उठा रहे, आप उन महिलाओं से ऊपर उंगली उठा रहे, सीएम को निशाना बनाया जा रहा है, आप उनसे
आवाम है पंजाब की, बंद करिए ये राजनीतिक नौटंकी। प्रधानमंत्री जी को कई अपना अस्तित्व पंजाब में खो चुके हैं आप, खाली कुर्सियां, बौखला गए, बौखला गए, हिम्मत नहीं दिखा पाए। अलका जी को कहिए अब तो बात, सिरसा जी की हिम्मत हो तो जो लंगर जैसे पवित्र शब्द को बदनाम किया जा रहा है वो खामोशी से सुन रहे हैं, अगर असली है तो बात करें। अगर असली है तो वो लंगर की लंगर बीच रोड पे थोड़ी बढ़ता है। सिरसा साहब नकली सरदार है क्या? बोलिए नहीं नहीं, लंगर शब्द पवित्र शब्द है, असलियत क्या इसकी बताएं। मैं ये कह रही हूँ जिन्होंने सिरसा जी को बताना चाहिए, चाय पुलिस वालों को पिलाई गई, जवानों को पिलाई गई, सरहद पे किसानों को पिलाई गई, वो लंगर पवित्र शब्द है, उसको अगर बयान कर रहे तो सिरसा जी से कह रही हूँ आप चुप करके सुनो। लंगर की प्रथा है बदनाम, ये वो लंगर की प्रथा है। अलका को मैं बताना याद करना चाहता हूँ, ये वो लंगर की प्रथा है। अगर पुलिस जवान को सर्दी में जो काफिले में के अंदर इतना बड़ा हमला करके गुरुद्वारे गिराए गए, इस प्रथा को अगर खत्म करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। इसलिए ये जो जो इनकी सोच है, इनकी सोच हमेशा से यही रही है। देखिए मैं आपको अकाली से भाजपा की गोद में और कल को दिल्ली में कांग्रेस मिलेगा, मैं आपको शेयर भी करूंगा अपने ट्वीट पे। आपका तो अपना ये इन लोगों ने यहां तक हमें बदनाम किया। एक बार इन्होंने दिल्ली के पेपरों में, इंग्लिश पेपरों में एक ट्रक, एक हमारे टैक्सी ड्राइवर सिख को गाड़ी में बिठाकर उसकी फोटो छापी और अमित जी उसके नीचे लिखा था, क्या आपको इसको देखकर डर लगता है? सोल पर्पस रहा है 1980 के दशक से लेके हमें ही बदनाम करने पे लगे हुए हैं। राज सत्ता कैसे हासिल की पंजाब में इन्होंने, इसी तरह से मारकर पीटकर कितने पंजाब के बेगुनाह लोग मारे गए इस दौरान 1990 के दशक में। ये अमित जी इसी तरह से शुरू किया था, ये वही डिजाइनिंग है जो उन्होंने 1980 के दशक में भी शुरू की थी। आज अलका जी इतनी बड़ी बातें करते हैं, अलका जी मैं आपसे ये बड़े विनम्र विनती करना चाहता हूँ, आपको अगर याद हो सिरसा जी 2020 में दिल्ली में दंगे हुए या नहीं हुए, हिंदू मुस्लिम मरा के नहीं मरा है, कौन गृह मंत्री जब आपकी आप उस विधानसभा के मेंबर थे, आपने जबान खोली कभी? राजीव गांधी ने कतलेआम कराया उससे बाहर तो देश का प्रधानमंत्री है, जहाँ देश का गृह मंत्री बैठा है, उस राजधानी दिल्ली में दंगों में 2020 में लोग मर जाते हैं। मैं आपसे फिर आग्रह करता हूँ, हम इस बात के शुक्रगुजार हैं, हम इस बात का धन्यवाद करते हैं। ये सारे मसले के अंदर है जिस तरह से चन्नी सरकार ने एक बहुत बड़ी सियासी राजनीतिक चाल चली थी, जिसका नुकसान सिर्फ हमें ही भुगतना पड़ता, पंजाबियों को और पंजाब को ही भुगतना पड़ता। वो अकालपुर की कृपा के कारण उनकी वो सिरे नहीं चढ़ पाई। आप अपनी वोटों के लिए आज पता अमीश जी पंजाब में लोग क्या कह रहे हैं, जो कांग्रेस के जितने वर्कर हैं और इनके लीडर पता क्या कह रहे हैं, अब तो हमें शहरों की वोट मिल गई ना, शहरों में तो हमें, हम कमजोर थे तो अब तो बीजेपी का लोगों को पता चल गया बीजेपी की वोट नहीं है, अब तो हमें शहरों में भी हमने प्रधानमंत्री भगा दिया तो ये तो क्या चीज ही नहीं है। ये सोच जिस तरह से उभारी जा रही है ये आज का नुकसान नहीं है, अगले 20-25 साल तक कम्युनिटी का और पंजाब के लोगों का नुकसान होगा। जैसे 1980 के दशक से लेकर 2000 तक कांग्रेस ने जाने गई है। मैं तो हाथ जोड़कर फिर कहता हूं, देखिए हमें एक बात सबको समझने की जरूरत है, पंजाब के लोग जो हैं वो इस तरह के किसी रास्ते पे नहीं जाना चाहते। कभी गुरपतवंत सिंह पन्नू को आगे लगा के कराया जा रहा है, कभी किसी को, हम लोगों को इस रास्ते मत डालो, हम नहीं जाना चाहते, ना हमारा रास्ता है। हम शांति पसंद देशप्रस्त लोग हैं, गुरु के भय में रहने वाले लोग हैं और अपनी जान देकर लोगों की जान बचाने वाले लोग हैं। हमारे को बदनाम ना किया जाए, हमें ना बदनाम समझ आ जाए। अलका लांबा आप क्या कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब को इस रास्ते पे धकेलना चाह रही है? आप इसको चौथी बार बोल रही हैं। गौरव भाटिया दिल्ली को धकेल चुके हैं, पंजाब को 2020 में कौन धकेला नहीं धकेला, दंगे हुए या नहीं हुए, हिंदू मुस्लिम मारे गए या लोग नहीं, सच्चाई है ना दिल्ली के दंगे 2020 में। भागलपुर किसके राज्य में हुआ, किसके दौर में हुआ, कानून व्यवस्था देश के दंगों की बात करेंगे तो किसानों को कुचला किसने, मुजफ्फरनगर किसके दौर पे हुआ, मलयाना किसके दौर पे हुआ, सबकी बात होगी, 1947 किसके दौर पे हुआ, कश्मीरी पंडित किसके दौर में छोड़ के आए, ये सबकी बात होगी। अगर आप दंगों की बात करूंगी तो दंगों की फहरिस्त, अगर दंगों को पार्टी के हिसाब से बांटेंगे तो कांग्रेस की लिस्ट बहुत आगे बढ़ जाएगी। अलका जी फंस जाइएगा, लेकिन वो मैं नहीं, तो नहीं, वो पॉइंट ही नहीं, 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 अच्छा, यानी कि हमारे दंगे दंगे थे, इनके दंगे दंगे, तो दंगे नहीं है, हमारे जो तो दंगे नहीं है, मैं दिल्ली में हमने तो सरकार बनाई है और पंजाब में भी लोगों ने हमारी सरकार बनाई, हमने अपने कमियों को स्वीकारा, माफी मांगी, दोबारा दोहराने के दंगे। अलका जी निवेदन को स्वीकार करिए, गौरव भाटिया बोलिए आप प्लीज, दिल्ली के दंगे हुए, देखिए आप गौरव बोलिए प्लीज। देखिए अमीर जी, ऐसा लग रहा है कि बकवास तो फुल है लेकिन दिमाग की बत्ती गुल है।
और अमित शाह जी गृह मंत्री देश के हैं, ये जो बातें कह रही है ना कि ये साजिश अमित शाह जी ने तो नहीं कराई, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनको तो जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है ना। हमारे विरोधी हो सकते हैं लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ये सुनिश्चित करेंगे कि इनकी जान की हिफाजत हो और ऐसी हो कि जो सुरक्षा में चूक हुई है वो कभी इनके साथ ना हो, क्योंकि हम नफरत नहीं करते, हम अपने विचारों की ताकत से चुनाव जीतते हैं, लोगों का दिल जीतते हैं। दूसरी बात ये बार बार कर रही हैं कि कुर्सियां खाली थी, चलिए इनका तर्क माना कुर्सियां खाली थी। इन्होंने बार बार कहा कि देखिए दलित मुख्यमंत्री हैं, चलिए माना कि सिख में भी दलित होते हैं और वो मुख्यमंत्री हैं, क्या उसकी वजह से आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं एक मिनट मेरा बात पूरी हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जानता हूँ, क्योंकि चैनल मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं क्या बात उठा रहा हूँ पहले पूरी कर लूँ। दलित इन सिख, दे ट्रीट एवरीवन इक्वली। अमी जी मैं जानता हूँ, मैं सुनिए, मैं जानता हूँ गुरु नानक जी ने सबसे पहले यही बात कही थी कि कोई वर्ण नहीं होगा, सब एक होंगे। यस, लेकिन जब मूर्ख कोई तर्क दे उसको काटना चाहता हूं मैं एक बात पूछ रहा हूं कि इनके सारे कुतर्क मान लिए जाएं तो भी क्या प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हो सकती है? ये बात मैं उठा रहा हूं, इसको समझिए। हाँ, और एक बात, अच्छा एक बात सुनिए, इसको देखकर बौखलाते रहिए, सच्चाई आपकी है कि पंजाब में भाजपा अपना अस्तित्व खो चुकी है, प्रधानमंत्री जी की रैली की ये सच्चाई है। दिमाग की बत्ती गुल, ये हाल कोई है कांग्रेस नहीं देखना चाहता प्रधानमंत्री जी को कि मन की बात सुनना चाहता, हल्की प्रवक्ता है, अपनी बात को बताना चाहते थे, प्रधानमंत्री जी की बुरी आदत है, अभी प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं हुई, कौन सा लोगों का सामना कर पाते, उल्टे पांव तोड़कर दिल्ली जाकर दुबक गए, राष्ट्रपति जी के पास जाकर रो रहे हैं कि मैं असुरक्षित हूँ, जिस देश का प्रधानमंत्री इतना असुरक्षित हो उसके हाथ में 20 करोड़ का भारत कैसे सुरक्षित हो सकता है? असुरक्षित प्रधानमंत्री को रो रहा है, बिल्कुल भी हक नहीं है, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और चले जाना चाहिए गुजरात या हिमालय की चोटियों पर, देश के राष्ट्रपति के पास तो राहुल गांधी भी जाते हैं, क्या वो रोने जाते हैं? राष्ट्रपति पद की गरिमा है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा मेरी जान को खतरा है, पंजाब में मैं बचकर आया हूँ, ऐसे असुरक्षित प्रधानमंत्री देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है ना, ऐसे प्रधानमंत्री राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए संविधान पर एक जिम्मेदारी बहुत गलत शब्द बोला जा रहा है कि देश का प्रधानमंत्री हो क्या 2019 में राष्ट्रपति राहुल गांधी गौरव भाटिया देन मिस्टर ढिल्लो एंड देन की सुरक्षा इनके लिए कुछ नहीं, वो कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री रो रहे हैं राष्ट्रपति के पास। देखिए अमीर जी ऐसा है, भारत का संविधान इन्होंने पढ़ा नहीं है इसलिए ऐसा कहते हैं, इटली का संविधान पढ़ते हैं, राष्ट्रपति जी प्रथम नागरिक होते हैं, प्रधानमंत्री जी अगर राष्ट्रपति के पास जाते हैं तो इनको कष्ट होता है, लेकिन ये इटली के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास राहुल गांधी जाएं तो उसको ठीक बताते हैं। दूसरी बात आप मुझे बताइए, राहुल गांधी के ऊपर 2019 के चुनाव में मोबाइल से एक फोटो खींच रहा था कार्यकर्ता कांग्रेस का और लाइट पड़ गई तो इन्होंने हो हल्ला मचा दिया। अमित जी आप देखिएगा, ये कहने लगे राहुल गांधी की जान को खतरा है, एक बार राहुल गांधी फ्लाइट में थे और जो बाहर वेदर था खराब था, फ्लाइट हिली, इन्होंने कहा जान को खतरा है, ये दोहरे मापदंड लाते कहां से हैं? गांधी परिवार के सदस्य की जान जान है और प्रधानमंत्री जी की जान जो कि देश के लिए अहम है, एक बार इनको कुछ बोल दिया गया तो जान का खतरा है। देखिए दोनों राहुल जी भी हो गए, प्रियंका जी भी हो गई, मैडम गांधी भी, सोनिया गांधी जी भी हो गई, ये सब लोग सिक्योरिटी प्रोटेक्टी हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी की प्रोटेक्टी हैं। पॉइंट ये है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर चूक हुई है उसको उसमें कुतर्क देने से क्या कहानी बन जाएगी? हवा का झोंका नहीं छू कर गया, ठीक है, अंकड़ नहीं लगा,
आंधी की क्या चाहती थी, कुछ लग जाए उधर सुरक्षित। अच्छा आप इंतजार कर रही थी तो कोई सुरक्षा में नहीं था, पूरी तरह सुरक्षित है, सही सलामत घर पहुंच गए, जाते जाते पंजाब से बदनाम कर गए, बडिंडा से जिंदा आ जा रहा हूँ, अरे हमारे पुलवामा के जवान जिंदा आ जाते तो बड़ी बात थी, हमारा 700 किसान भी मुझे लगता है कि पॉलिटिकल धोखा नहीं, देखिए पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह है, घर में चले गए जान पर अगर बना है तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, वो बड़ी बात नहीं। क्या क्या ढिल्लो साहब, सोनिया गांधी है, चन्नी है, याद रख ढिल्लो साहब, स्मृति ईरानी ने जो बोला कि नफरत में नरेंद्र मोदी से नफरत में, नरेंद्र मोदी से नफरत में इस कदर कांग्रेस बह चुकी है कि उनको पता ही नहीं लग रहा कि लाइन कहां ड्रॉ करनी है। देखिए इतनी नफरत नरेंद्र मोदी से कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दो बार हरा दिया, राहुल गांधी को अमेठी से हरवा दिया। जिस तरीके की भाषा का स्तर, और ये जो गौरव जी खास स्तर पे अलका जी के लिए बोल रहे हैं एज अ महिला, छोड़िए वो कांग्रेस की है या नहीं, बहुत ही निंदनीय योग्य बात है। देखिए इस माइंडसेट से किसी का कोई भला नहीं होने वाला। आप बार बार आप इस पॉलिटिक्स में मंत्री जी की जान सबसे पहले पंजाब को बदनाम किया, वो ठीक है, ये देखिए छोड़िए, ये देखिए पंजाब को आप बार क्या प्रधानमंत्री जी की जान पे बनाई आपकी चूक की वजह से साजिश करते हैं, क्या ड्रामा बोल रहे हैं, हिम्मत कैसे हुई आपकी, ड्रामा एक इनका माइंडसेट, ड्रामा नौटंकी आपका काम है, कांग्रेस पार्टी ड्रामा पार्टी याद रखिएगा। मैं एक पॉइंट पे सिरसा साहब आपसे लेना चाहता हूं, सिरसा साहब जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ कार्यक्रम के अंदर, क्या आपको लगता है कि देश की राजनीति उस कगार पे आ गई है जिसमें जान की वैल्यू भी नहीं बची है अब किसी की? नहीं, बहुत ही ज़्यादा हल्के लेवल पे अमीश जी, मैं बड़ा हैरान हूँ। देखिए हम लोग एक सार्थक बातचीत करें, जो आपको खदसे हैं हम भी कहें आप भी कहें, लेकिन ये अल्फाज कहने कि देखिए कि देश के गृह मंत्री ने शायद प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला कराने का सोचा होगा क्योंकि उसके बाद उन्होंने बनना था, मतलब मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही निचले कदर की बातें हैं। इस कदर तक हम लोग गिर जाएंगे, इस कदर तक इस तरह की बातें टीवी डिबेट में आ जाएंगी, मुझे लगता है कांग्रेस को कहीं ना कहीं दोबारा एक बार उनको अपने मन में टटोलने की जरूरत है। क्या हम लोग देश की सियासत को इस हशिये पे लाके खड़ा कर देंगे और इस तरह की बातें कही जाएंगी? बहुत दुख और खेद के साथ मैं कहना चाहता हूं अलका जी, आपको इस तरह की बातें, इस तरह के अल्फाज, देश के प्रधानमंत्री के प्रति ऐसी भाव रखना कि गृह मंत्री उनके साथ उनका जानी नुकसान करना चाहते थे ताकि वो बन जाए, मुझे लगता है कि ये मतलब गिरने की एक बहुत निचले स्तर की बात है। आपको जरूर विचार करना चाहिए कि आपने जो ये बात कही है ठीक है, बाकी आप बड़े हैं, आप जो कहेंगे ठीक ही होगा, मैं आपको नहीं रोक सकता, लेकिन आपको जरूर खुद अंदर से इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या आप इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या आपने ये बात सही कही है, या कांग्रेस को ये भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए या किसी भी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ ऐसी बात के लिए? मैं ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ, देखते रहिए। आप देख रहे हैं आर पार, सिरसा साहब और गौरव भाटिया है, मैं 20 सेकंड में उनसे कमेंट लेना चाहूंगा। सिरसा साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, बार बार कांग्रेस गोल पोस्ट एक लेकर आ रही है, वो कह रही है क्योंकि दलित सीएम है उनको टारगेट करना चाह रही है, जब गुरुओं ने ये पंथ बनाया था तब क्या किसी को दलित भी बनाया था? दलित सिख कोई होता है गुरुओं की भाषा में? नहीं, बिल्कुल, जो आपने बहुत अमीश जी 2-3 बार टीवी पे कहा, बड़ा अच्छा आपने क्लेरिफाई किया, हमारे में कोई जात पात बिल्कुल किसी तरह की नहीं है, यही गुरु साहब ने हम इसीलिए पंगत में लंगर की जो प्रथा रखी ताकि कोई बड़ा और छोटा नहीं है, हम अमृत शक्कर बने सिख हैं जिसके अंदर जिस बाटे में अमृत छकाया जाता है उसके अंदर भी कोई फर्क नहीं रखा जाता किसी जात धर्म का, हमारे में ऐसा कुछ नहीं। और अमीश जी दूसरी बार एक सवाल पूछा गया कि क्या पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सेफ नहीं थे? पंजाब के अंदर तो प्रधानमंत्री सेफ हैं, सुरक्षित रहेंगे, लेकिन पंजाब सरकार के रहते, बात पंजाब सरकार की है, पंजाब के लोगों की नहीं है। पंजाब के लोगों ने जो है, जो दलेराना लोग हैं वो पंजाबियत को जिंदा रखने वाले लोग हैं। गौरव भाटिया क्या राष्ट्रपति शासन चाहते हैं आप लोग पंजाब में? आप देखिए अमीश जी, सर्वप्रथम तो ये बात जो कही गई है कि पंजाबियों पे आरोप है, नहीं, 3 करोड़ पंजाबी वो हैं जो देश के लिए अपनी जान दे देंगे, आरोप है 3 कुंठित मानसिकता के जो नेता और नेत्री हैं, और वो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और चन्नी जी। और एक बात मैं और कह दूं, हम नहीं कहेंगे
जैसे इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने साजिश करी राजीव गांधी को मरवाने की। हम नहीं कहेंगे राहुल गांधी कहना चाहता है कि सोनिया गांधी जी के साथ कुछ गलत हो, ये सब बहुत जी 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 जी। शुक्रिया आप लोगों का, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आर पार में इतना ही। गुरुओं ने जब पंथ को बनाया था तो कोई जात पात नहीं बनाई थी, यानी सिखों में कोई जात पात नहीं होती, कोई दलित नहीं होता, लेकिन सियासत की मजबूरी ने सिख में भी दलित को बना दिया। इसीलिए तो बोलते हैं कि ये बांटते हैं, आप लोगों को समझना है। नमस्कार। चाय और अनानास के बागान में 3 मजदूरों पर हमला कर दिया, इसके बाद इन घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 और जज